अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। ये कंटिन्यूड पार्ट है मेरे इंटरनेशनल सेंटर ब्लॉग का। मैं ऊपर उसका लिंक दे रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। इंटरनेशनल सेंटर सदर से बहुत ही करीब है ये ट्रिम मॉल, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या वैरायटी आई हुई है, आपको भी दिखाते हैं। एट्रियम मॉल की एक खास बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि यहाँ एवरी टाइम यानी थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर सेल लगी हुई होती है और रियली ब्रांडेड जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पे इजीली मिल जाती हैं। मुझे यहाँ स्पेशली आउटफिटर्स पे मीडियम के लिए ड्रेसेस देखने हैं और दूसरा कुछ पेट पूजा भी करनी है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। खुर्रम तो आते हुए थोड़ा सा खा के आए थे तो मुझे खाना खाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब हम लेके चलते हैं आपको ऊपर आउटफिटर्स की तरफ, तो चलिए जनाब ऊपर चलते हैं। साथ साथ हम नीचे भी नज़र दौड़ाते जाते हैं, यहाँ पे मुझे बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं 60% सेल और समथिंग एल्स। आजकल मार्केट में निकलेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि हर तरफ सर्दी की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है विंटर शॉपिंग में। तकरीबन सभी ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। यहाँ पर है ये लेडीज़ वेयर। कुछ टाइम पहले मैं गई थी टाइग रोड वाले डॉलमिन मॉल में, वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर बिन सईद का बहुत ही अच्छा आउटलेट खुला है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है वहाँ। एंटर हो गए हम आउटफिटर्स में। आउटफिटर्स में एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर सेल लगी हुई है। मुझे यहाँ से लेने हैं मीरम के ड्रेसेस जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो हम चलते हैं गर्ल्स बेबी गर्ल्स के सेक्शन की तरफ। इससे पहले मैं जब भी शॉपिंग पे आती थी ना तो बॉयज़ के सेक्शन की तरफ जाती थी, बट आफ्टर मीरम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जा रही हूँ गर्ल्स के सेक्शन की तरफ। रश अभी नहीं है मार्केट में इतना, आई थिंक सो कि अभी पेरेंट्स जो हैं वो कुछ दिन में निकलेंगे सारे शॉपिंग के लिए। ये मैंने पैंट चूज़ की है मीरम के लिए और इसके साथ अब मैचिंग शर्ट देखती हूँ। वैरायटी इतनी है कि मुझे चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो रहा है कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे कितने कलरफुल ड्रेसेस हैं यहाँ, तो फाइनली ये शर्ट मैंने मैच की है इस पैंट के साथ। मुझे लेने थे मीरम के लिए स्मॉल शूज़, बट वो भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं इसके साइज़ के। मैं इंटरनेशनल सेंटर से लेना भूल गई, मिस हो गए मुझसे, तो अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जब भी हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो फिर हम वो शूज़ ले लेंगे, तब तक हम सॉक्स से काम चला लेंगे। ट्राउज़र्स की रेंज है ये स्टार्ट हो रहे हैं 290 से, बट ये सारे 290 के नहीं हैं, जैसे कि ये 560 का था जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब हम चलते हैं एथनिक शॉप में, यहाँ पर है अप टू 70% ऑफ। आज यहाँ काफ़ी अच्छी वैरायटी नज़र आ रही है, तमाम सेक्शंस पे ऑफ नज़र आ रहा है। मैं आपको लेके चल रही हूँ कुर्ती सेक्शन की तरफ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है आज कुर्तीज़ में। 3000 की रेंज में आपको ज़बरदस्त किस्म की कुर्ती यहाँ कुर्ता मिल जाएगा। आई होप सो कि आपको मेरे इस ब्लॉग से आइडिया हो रहा होगा कि एट्रियम मॉल में किस टाइप की वैरायटी आई हुई है। कलर है मेरा फेवरेट पिंक, तो मैं पिंक में ढूंढ रही हूँ कुछ। यहाँ मुझे ये कुरम दिखा रहे हैं कि ये इन्होंने न्यू चीज़ बनाई है, तमाम हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुर्तीज़ हैं। जनूबी पंजाब की नज़र आई थी अभी मुझे। इसके अलावा कुरम मुझे ये कह रहे हैं कि वीडियो बनाना छोड़ो और कुछ चूज़ कर लो, मगर मैं उनको बता रही हूँ कि नहीं, मुझे पहले ज़रा थोड़ी सी वीडियो बनाने दें। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है इन्होंने। सिंध की मुझे नज़र नहीं आई है क्योंकि सिंध वालों ने सिंध की परचेज़ कर ली होगी, सो वो यहाँ से शॉर्ट है। 2390 रुपीज़ आई थिंक इसकी प्राइस है। बड़ी खूबसूरत शॉर्ट वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है इन कुर्तीज़ के ऊपर, बैक पर भी है, स्लीव्स पर भी है और फ्रंट पे भी है। हर प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वेलवेट के आउटफिट्स भी हैं यहाँ और मोटा खद्दर का जो कपड़ा होता है यानी कि ख़ास विंटर का कपड़ा है वो भी है यहाँ पर। ये सब पार्टी वेयर्स हैं, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी ज़बरदस्त किस्म की हुई हुई है इस पर, तो काफ़ी मज़ा आया भाई यहाँ पर आकर। यहाँ से फ्री होकर जी हम ऊपर चले गए हैं कुछ खाने के लिए, और मैंने आपको यहाँ से बताना है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट खाना जो है वो यहाँ का इतना ज़्यादा ख़ास मुझे नहीं लगा। इवन के जो ब्रांड्स हैं वो तो सेम हैं, बट खाना जो है वो डॉलमिन मॉल का ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये चाइना ग्रिल का मैंने लिया है लेकिन इसका टेस्ट जो है डिफरेंट है डॉलमिन मॉल से। खुदा खुदा करके अब ये खुला है डाइन इन, तो थोड़ा सुकून आया। अदरवाइज़ ये होता था कि बस खाली सूखे मुंह वापस आ जाते थे, जब भी अगर शॉपिंग के लिए गए भी तो हम वैसे ही वापस आ जाते थे, या कुछ साथ लाना पड़ता था, वहाँ बैठ के नहीं खा सकते थे।
अब ये ओपन हो गया है। एज़ यू कैन सी डाइन आउट जो है यहाँ पर ओपन है, मगर नुकसान ये हुआ है कि जब हम ऊपर टाइम स्पेंड करके आए तो नीचे आते आते, जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल सेंटर में भी बताया था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो तकरीबन सभी शॉप सब क्लोज हो रही हैं, 10:30 आई थिंक सो टाइम हो चुका है। नीचे थोड़ी सी रौनक नज़र आ रही है, यहाँ भी कुछ ब्रांड्स ने अपने इस तरह ओपन एरिया में लगाए हुए हैं कपड़े। ओवरऑल बात जो है वो ये है कि एट्रियम मॉल का जो कूल एटमॉस्फेयर है, कूल एनवायरनमेंट है, यहाँ की चीज़ें हैं, वैरायटी है, वो सब आपको काफ़ी इंटरटेन करेंगी और आप जो है इजीली यहाँ से अपनी शॉपिंग पीसफुल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। चलिए जनाब, हम यहाँ से आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नए व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिले ऐसा ही अमेजिंग कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।